हेलो गाइस, तो मैं हूँ नरेश ओझा और आज का जो ब्लॉग है ये होने वाला है रंगबाड़ी बालाजी के यहाँ पर शूट। अभी मजा आएगा ना, रुको जरा सबर करो। तो आपका जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को और काफ़ी सपोर्ट बनाए रखा है आपने, तो आप लोगों का प्यार है दोस्तों जो कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अभी तो आज की जो ब्लॉग करने की बारी है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ रंगबाड़ी बालाजी का ब्लॉग। तो बने रहिए मेरे साथ राजस्थानी ब्लॉगर चैनल पर और अब हम देखते हैं रंगबाड़ी बालाजी और चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस, अब हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं और ये है रंगबाड़ी बालाजी। चलिए अंदर चलते हैं गाइस। ये है रंगबाड़ी मंदिर, रंगबाड़ी बालाजी का मंदिर और ये प्रवेश द्वार है। तो चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों ये जो बाहर का फेस है और इधर की साइड है कुंड बने हुए हैं तीन, जिनमें जो है नहाने के लिए पानी है इसमें और काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पर। और ये है बालाजी का मंदिर, तो पहले मैं आपको कुंड दिखाऊंगा, उसके बाद जो है बालाजी महाराज के दर्शन कराऊंगा। तो पहले देख लीजिए आप कुंड, और ये जो मंदिर है काफ़ी साल पुराना है। ये है यहाँ का बड़ा कुंड, ये काफ़ी गहरा है और ये यहाँ पर है छोटा कुंड, इसमें जो है बच्चे आराम से नहा सकते हैं। और इधर वाला जो कुंड है इसमें जो है महिलाएं नहाती हैं। तो अब तो हम चलते हैं मंदिर में अंदर की। दोस्तों आज के जो ब्लॉग में मेरे साथ है कुलदीप सेन और हम दोनों आज का जो ब्लॉग है यहाँ पर रंगबाड़ी बालाजी के यहाँ पर मंदिर पर शूट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं मंदिर में अंदर की ओर और देखते हैं मंदिर को। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और अब जो है मैं हनुमान जी महाराज के दर्शन कराने वाला हूँ आपको। यहाँ पर चेतावनी दे रखी है फ़ोटो खींचना मना है, पर हम फिर भी पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये यहाँ पर जो है सुंदरकांड होता है। गाइस मैंने आपको जो है दर्शन करा दिए और ये यहाँ की परिक्रमा है जो कि हनुमान जी महाराज की परिक्रमा लगा सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड में है एक बड़ा कुंड और ये यहाँ पर है शिव जी का मंदिर, ये शिव जी का मंदिर। और इस कुंड के जस्ट पास में यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है जो कि बंद है। दोस्तों यहाँ पर जो है कछुआ बैठा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखिए दोस्त, ये है यहाँ पर कछुआ बैठा हुआ है और इसके अंदर एक और कछुआ बैठा हुआ है जो कि मेरे को दिखाया अभी अभी। ये देखिए भाई, ये जो रस्सी बन रही है यहाँ पर भी एक कछुआ बैठा हुआ है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए
अब हम चलते हैं और आगे। ये राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है। और यहाँ पर शीतला माता जी का मंदिर भी है, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो आपको सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है राधा कृष्ण का मंदिर। इसमें फ़िलहाल अभी वर्क चल रहा है और इसके पट लगे हुए हैं। वहाँ पर जाना मना है अभी, क्योंकि काम चल रहा है वहाँ पर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बालाजी महाराज का जो मंदिर है, इसके पास में जस्ट पार्क है एक, तो इस पार्क को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं और इस गार्डन की खूबसूरती देखते हैं। कुलदीप भाई धीरे चलिए यार, ये पार्क का जो है नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए नज़ारा पार्क का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई, ये जो बालाजी महाराज का मंदिर है, ये काफ़ी साल पुराना है और यहाँ पर कई भक्तगण आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो है बालाजी महाराज पूरी भी करते हैं। और इस पार्क के अंदर जो है यहाँ पर बना रखा है एक और कुंड है, ये भी छोटा, इसमें जो कि कचरा वगैरह पड़ा हुआ है और काफ़ी सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं यहाँ पर। इस पार्क के अंदर धर्मशाला है जहाँ पर आप रसोई कर सकते हो। यहाँ पर समाधि स्थल है। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत जो है नज़ारा आ रहा है यहाँ का पार्क का। और उस साइड जो है प्ले जोन बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से तहस नहस है अभी वो। और इस साइड में देखेंगे हम तो ये यहाँ पर जो आपके सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है यहाँ की धर्मशाला। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो आज के ब्लॉक में इतना ही। गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और उसके पास में जो घंटी प्ले बटन है उसको भी दबा दीजिए। और आपका जो सपोर्ट है बनाए रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और अगला जो ब्लॉग है मैं आपके लिए लाऊंगा सिटी मॉल का। तब तक के लिए बाय बाय।